आपके सामने मैं एक बात रख रहा हूं, और ये चीज जो नाकामी से गुजरा है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि नाकामी एक ऐसी सर्टिफिकेट है, एक ऐसी डिग्री है जो उससे जब गुजरता है ना जो आदमी, वही जानता है कि क्या चीज है। होता क्या है कि जब आदमी कामयाबी और कामयाबी और कामयाबी में रहता है तो उस वक्त पे अपना मुहासिबा, अपना जायजा, अपनी चेकिंग वैसे नहीं करता है जो नाकामी के टाइम पे करता है। जब आदमी नाकाम होता है ना तो जैसा अपना सोचता है अपने बारे में कि क्या रह गया मुझ में, क्या कमी है मेरे अंदर, तो जो उस वक्त पे जो सोचता है वो कामयाबी में नहीं सोच सकता। मतलब हम ये देखते हैं कि वो नाकामी उसके लिए अच्छी निकलती है, वो नाकामी से वो अपनी कमी को निकालता है और आगे की कामयाबी में ये नाकामी जरिया बनती है। तो मोमिन का मामला बहुत अजीब है और हर हाल में क्या है, खैर है। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो नाकामी के अंदर मायूस हो जाते हैं, जो नाकामी में डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, जो नाकामी के अंदर उनका दिल टूट जाता है, दुनिया से मायूस हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए तो नाकामी बुरी चीज है, लेकिन ये मोमिन की सिफत नहीं है। वो उस वक्त पे मोमिन वाला काम नहीं कर रहे हैं, भले ही नाम के मुसलमान होंगे लेकिन वो मोमिन वाला काम नहीं कर रहे हैं। मोमिन वाला काम क्या है, इन नाम रहू कुल्लहु खैर, हर हाल में खैर। मेरे भाइयों, नाकामी में एक इंसान बहुत सारी चीजें सीखता है। नाकामी एक ऐसी चीज है ना जो गुजरना जरूरी है एक इंसान को सुधरना है तो, और ऊंचे मकाम तक जाना है तो। इसी वजह से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साहब के सहाबा इकराम को उहद जैसे एक्सपीरियंस से भी गुजारा कि उहद के अंदर क्या हुआ, 70 सहाबा सामने शहीद हुए, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानलेवा हमला तक पहुंच गई थी बात। तो हम देख रहे हैं कि वो चीज से गुजरने के बाद जो एहसास आते हैं ना, वो चीज से एक इंसान सच्चे तौर पर है ना जैसे सोना आग में तप करके पाक प्योर होके निकलता है, उसी तरह मोमिन जब मसायब और मुश्किलों में गुजरता है तो उसमें से बिल्कुल एक पास होके निकलता है, वो सर्टिफिकेट लेके निकलता है। तो हम देखते हैं कि जो लोग ये समझते हैं ना नाकामी बहुत बुरी बात है, वो कितना बुरा हो गया, तुम नाकाम हो गए, कोई बुरा नहीं हुआ, मोमिन के साथ बुरा होता ही नहीं, लेकिन अगर नहीं सीखेंगे तो बुरा होगा। उसमें अगर आदमी दूसरी चीज पे चले आएगा तो बहुत बुरा होगा। तो हम ये देखते हैं, पहले तो नाकामी बहुत बुरी हुई ये बात दिल से आनी नहीं चाहिए, अगर आई तो कुछ सीख नहीं सकते, तो फिर कुछ होगा नहीं वो नाकामी के बाद, और एक उससे बड़ी नाकामी आएगी, उससे बड़ी नाकामी आएगी, वो नाकामी नाकामयाबियों की का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहां तक कि एक आदमी पूरी तरह से हर चीज से नाकाम होकर ईमान के मामले में भी नाकाम हो जाएगा, और ये सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है। तो ये बात याद रखना है कि हमारा भरोसा अल्लाह पर है, दुनिया सब कुछ नहीं है, दुनिया ऐसे भी इम्तिहान की जगह है, दुनिया ऐसे भी इम्तिहान की जगह है, लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वमन यत्तकिल्ला, अल्लाह जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं यजअल लहु मखरजा, अल्लाह उनके लिए रास्ता निकालता है। हाँ, अल्लाह उस शख्स के लिए रास्ता निकालता है, वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब, वहां से रिस्क देता है जहां से सोच भी नहीं सकते, जहां से सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत पहला पॉइंट है कि नाकामी मायूसी नहीं होनी चाहिए, नाकामी की अहमियत सीखिए। क्यों मालूम है, देखो एक इंसान है कुछ अच्छा करने सोच रहा है दुनियावी तौर पर, आखिरत के तौर पर, लेकिन लोग डरते हैं नाकामी से। कई बार क्या होता है कि कोई अच्छी चीज एक इंसान के पास है, वो उसको करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा है, क्यों डर, क्या चीज से डर रहा है, नाकाम हो गया तो, मैं फेल हो गया तो। लेकिन जो शख्स नाकामी से गुजर चुका है उसको वो डर नहीं होता, क्योंकि उसको पता है नाकामी किसे कहते हैं। नाकामी से गुजरने के बाद एक इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है चीज करने का, वो उससे गुजरे बगैर नहीं आएगा, क्योंकि उससे गुजरने के बाद एक इंसान के अंदर वो चीज एक बसारत आ जाती है, एक देखने का तरीका आ जाता है कि फायदेमंद है नहीं है, नाकामी से डरना नहीं है। तो नाकामी से एक बार गुजर जाए तो गुजरने के बाद में वो डर चला जाता है, ये एक फायदा है। अगर मायूस नहीं हुआ इंसान, गलत डायरेक्शन में अपना दिमाग को नहीं लेके गया, तो फायदा लेके निकलेगा। तो मेरे भाइयों, ये हमने देखा कि पहला पॉइंट हमारा आज के लिए, जो 10 कदम हम देखने वाले हैं उसमें पहला कदम क्या है, मायूस नहीं होना है, नाकामी को बुरा नहीं समझना है, नाकामी को एक कदम समझना है, एक स्टेप है कामयाबी की तरफ। हाँ, कुछ गलत करके ही तो सीखता है इंसान, वो गलत ही नहीं करे मतलब क्या मालूम है, उसने कुछ किया ही नहीं होगा। अगर आप सब में से कोई कहे कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ हूं, यानी कि आपने मोस्ट प्रोबेबली आपने कभी कुछ किया नहीं होगा इसीलिए नाकाम, आप नाकाम क्यों नहीं हुए, क्योंकि आपने किया ही नहीं कुछ, कुछ करेंगे तो नाकाम होने का चांस है ना, जो घर पर बैठा रहेगा कुछ करेगा ही नहीं, तो ये तो उससे बड़ी नाकामी है, ये तो उससे बड़ी नाकामी अभी काम नाकामी से बड़ी नाकामयाबी है कि एक इंसान कुछ करे ही नहीं।
वो कुछ करे तो कामयाब होगा, नाकाम होगा, लेकिन कुछ करेगा ही नहीं तो नाकाम भी नहीं होगा। यानी कि बाद वो तो बिल्कुल जैसे कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसके तो मामला अलग ही है, उसका तो और एक बड़ी नाकामी है वो उसकी। तो हम देखते हैं कि ये सबसे पहली चीज मायूस नहीं होना है। ओके, मायूस नहीं होना है। माइंड, माइंड अगर गलत हो गया ना तो सब चीज फेल हो जाएगा इंसान। दुनिया में तो मसायब और मुश्किलें हैं, अल्लाह ने कहा है कुरान में, सूरह अल-अंबिया की आयत है सूरह 21 आयत नंबर 35, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। वनब्लूकुम बिश्शर्री वल खैरी फितना, मैं तुम्हें आजमाऊंगा शर से और खैर से। शर यानी जिसे तुम बुरा समझते हो अपने लिए, नाकामी बुरी समझते हैं ना हम लोग, बहुत बुरा हुआ। अल्लाह ताला ने कहा नब्लूकुम बिश्शर्री वल खैरी फितना, मैं तुम्हें आजमाऊंगा शर से और खैर से। तो अल्लाह ने कहा मैं आजमाऊंगा, अल्लाह आजमाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह आजमाइश में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, बहुत से लोग कुफर तक पहुंच जाते हैं। तो यहां यह सबसे पहली चीज है।